20 अगस्त को जम्मू कश्मीर की पूंछ में पाकिस्तान की तरफ से की गई क्रॉस बॉर्डर फायरिंग में शहीद हुए रोहतास के लाल नायक रवि रंजन कुमार सिंह का पार्थिव शरीर उनके पैतृक गांव गोपे बिगहा वायुसेना के हेलीकॉप्टर से पहुंचा। इस दौरान उनके अंतिम दर्शन को लेकर सुअरा हवाई अड्डे पर लोगों का हुजूम उमड़ पड़ा। अपने लाल के अंतिम दर्शन को लेकर लोग बेकाबू हो गए, वहीं अपने लाल की शहादत को लेकर लोगों में पाकिस्तान के खिलाफ खासा आक्रोश भी देखने को मिला। लोगों ने वंदे मातरम, हिंदुस्तान जिंदाबाद व पाकिस्तान मुर्दाबाद के नारे भी लगाए। गांव की गलियों से गुजरते हुए जैसे ही शहीद का पार्थिव शरीर उनके घर पहुंचा, परिजन बिलखने लगे। वहीं पूरा गांव अपने वीर शहीद के श्रद्धांजलि के लिए उमड़ पड़ा। सभी ने शहीद को अपनी अपनी ओर से श्रद्धांजलि दी तथा रवि रंजन कुमार सिंह के शहादत को सलाम किया। मौके पर बिहार सरकार के मंत्री जय कुमार सिंह, डॉक्टर प्रेम कुमार के अलावा भाजपा सांसद गोपाल नारायण सिंह, रालोसपा सुप्रीमो उपेंद्र कुशवाहा, भाजपा नेत्री निवेदिता सिंह, पूर्व मंत्री व राजद नेत्री कांति सिंह, डेहरी के पूर्व विधायक प्रदीप जोशी सहित डीएम तथा एसपी ने भी जवान को श्रद्धांजलि दी। नम आंखों से शहीद के बड़े बेटे शशि ने चिता को मुखाग्नि दी। क्या बच्चे, क्या बुजुर्ग, क्या युवा, सभी के जुबान पर बस वीर रवि रंजन आप अमर रहें। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज 24 लाइव। हमारे नायक शहीद रवि रंजन जी का शहादत बेकार नहीं जाएगा। और जिस तरह से पूर्व के दिनों में जो पाकिस्तान का जो रवैया रहा है भारत के प्रति जा करके, पूरी घटना और पुलवामा के बाद जो दो सर्जिकल स्ट्राइक के बाद भी पाकिस्तान उसका सबक लेने का काम नहीं कर पा रहा है, तो आने वाले समय में हमारे शहीद भारत के लाल मेजर रवि रंजन जी का शहादत बेकार नहीं जाएगा। पाकिस्तान को पूर्ण जवाब देने का काम किया जाएगा। उनकी आत्मा की शांति के विश्व से प्रार्थना करता हूँ। बच्चे की उनके बच्चे उनके लिए निश्चित तौर पर उनके बच्चे के केंद्रीय विद्यालय में नामांकन के संबंध में जिला पदाधिकारी महोदय पिताजी की बातचीत की जाकर के है, और दोनों बच्चे का तो जिला पदाधिकारी महोदय का जो पिता है उसके आधार पर नामांकन भी होगा। और कई साथियों ने कई सुझाव यहाँ दिए हैं जाकर के, सड़क के बारे में, द्वार के बारे में, इस संबंध में भी समुचित आगे कर रहे थे। सपोर्ट है रवि रंजन लाइन्स नायक रवि रंजन जी देश हित में जो शहादत हुई है, इसके लिए हम सभी लोग गौरवान्वित हुए। सिर्फ देश ही नहीं बल्कि बिहार ही नहीं बल्कि देश भी, आज जितने हमारे सपूत ने जितनी भी शहादतें दी हैं उन पर हम सभी को गर्व है। ख़ास तौर पर हमारे इलाके का, हमारे गांव का, हमारे परिवार का एक बेटा चला गया, लेकिन इस गांव में 45 बच्चे हैं जो कि आर्मी में हैं और देश की रक्षा में लगे हुए हैं। और हम सब उनको सैल्यूट करते हैं। और हमने तो बस सरकार से ये डिमांड किया है कि जो 10 लाख रुपया होता है, 10 नहीं बल्कि 11 लाख रुपया राज्य सरकार देती है, वो तत्काल मिलना चाहिए। उनके बच्चों की शिक्षा का विशेष ध्यान देनी चाहिए और यहाँ गेट बना दिया जाए जहाँ से ये मुड़ता है, और ये सड़क का निर्माण हो जाए। इस सड़क का नाम भी
शहीद रवि रंजन के नाम पर कर दिया जाए। और जैसे आज पूरा यहाँ के लोग गौरवान्वित हैं और इतनी सारी चीज़ें अगर और इतना हुजूम में लोगों का जमाव जो हुआ, हर कोई चाहेगा कि हमारा बेटा देश की रक्षा के लिए शरीक हो उसमें।